आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में महिलाओं को डेयरी व्यवसाय और पशुपालन से जुड़ने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद अभिषेक सिंह सहित पद्मश्री फुलवासन भाई यादव भी शामिल हुई। इस आयोजन में महिलाओं को डेयरी व्यवसाय हेतु अनुदान भी दिया गया। सांसद अभिषेक सिंह और पद्मश्री फुलवासन यादव की मौजूदगी में राजनांदगांव जिले के छुईखदान ब्लॉक के ग्राम संडी में 52 महिलाओं को डेयरी संचालन हेतु अनुदान वितरण किया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर मां बम्लेश्वरी पशु कार्य केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। इस आयोजन में छुईखदान ब्लॉक की 95 गांव की महिला फौज और महिला समूह की 4000 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। छुईखदान ब्लॉक डंडई ब्लॉक डंडई जहां समस्त डेयरी में जुड़े हुए जम्मू पूरा परिवार है 10-11 सोसाइटी, वो एक ऐसे पहचान बना तो हमारे पहचान होगी। दूध लेना है तो गंडई से लो, छुईखदान से लो। मिठाई खाना है तो गंडई और छुईखदान की मिठाई खा के देखो। राजनांदगांव जिला में ही छत्तीसगढ़ में ही पूरे देश में एक पहचान हो कि पेड़ा खाना है तो छुईखदान के पेड़ा खा के देखो, दही पी रहे हैं तो छुईखदान का दही पी के देखो। ये वो सपना है और ये सपना ना पूरा करे बस हम आप सबके जरूरत है। कबर के आप रोजगार तो करो लेकिन वहाँ हमारे एक पहचान बने, अपन नाम से हमको पहचान होते लेकिन हमारे राज्य में ऐसे पहचान करें जेकर पूरे देश के अमूल अमूल हम हर जगह के मुंह में अमूल है लेकिन एक दिन ऐसे हो कि छुईखदान 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 ये हमारे पहचान होना। छुईखदान के संडी में आयोजित कार्यक्रम में डेयरी को प्रोत्साहन देने वाले 5 लोगों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर सांसद अभिषेक सिंह और पद्म सिंह फुलवासन भाई यादव ने महिलाओं को डेयरी व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित भी किया। दूध उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। इस क्षेत्र में महिला समूहों के द्वारा लगभग 11 सोसाइटी बनाकर डेयरी व्यवसाय का कार्य किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रशासन के द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करने अनुदान भी दिया जा रहा है जिससे महिलाओं को व्यवसाय के साथ आत्मबल भी मिल रहा है। इस तरह के आयोजन से छुईखदान क्षेत्र दूध उत्पादन के लिए पहचाना जाने लगा है। परवान अंद्रजा के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। नगर निगम